विकास यात्रा 11वें दिन 15 फरवरी को लालबरा मुख्यालय पहुंची और हाईस्कूल मार्ग पर स्थित राजा भोज जैविक कृषि उपज मंडी परिसर में सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसे ने संबोधन के दौरान बीच बीच में कहीं किसी पर तंज कसा तो वहीं फिल्मी व देवी गीत गाकर उपस्थित जनों को वे हंसाते रहे। श्री बिसे ने कहा कि 25 मई 1975 को 23 वर्ष की उम्र में मेरी शादी हुई और 25 जून को देश में आपात लगा दिया गया। उस समय आपके भाभी के हाथ में मेहंदी भी नहीं मिली थी और मुझे जेल में डाल दिया गया था। मैं दीवार कूदकर बाहर आया। जेल में रहता तो आपातकाल के 25,000 रुपये पेंशन पाता, परंतु 25,000 रुपये पेंशन पाना महत्वपूर्ण नहीं है, आपातकाल में सहयोग करना महत्वपूर्ण है। वहीं उन्होंने कांग्रेसियों पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोगों ने हमें आपातकाल में जेल में डाला है उनके नाम से कैसे महाविद्यालय का नाम होगा। हमारे महाविद्यालय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय था, है और रहेगा। मैंने जब प्राचार्य से कहा तो वह कहता है कि महाविद्यालय के नाम को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, जिससे ABCD नहीं आती वे भी प्राचार्य बन जाते हैं। 15 फरवरी को मेरी सगाई हुई है और 25 मई को मेरी शादी हुई है और 25 जून को आपातकाल लगा है। तुम्हारी भाभी के हाथ के मेहंदी भी नहीं मिटी थी, मेहंदी नूड़ती हम जेल में डाल। छोटो गौरीशंकर जेल में, वो तो जीवाल दीवानों को कूद करके गौरीशंकर भागा है, वरना आपातकाल में रहता तो 25,000 रुपये का पेंशन पाता। 25,000 पेंशन महत्वपूर्ण नहीं है, आपातकाल में जो लोग अंदर थे उनका सहयोग करना बोलो। जिन लोगों ने इमरजेंसी में हमको जेल में डाला उनका नाम कैसे कॉलेज में होगा? हमारे कॉलेज का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय था, है और रहेगा। प्रिंसिपल को मैंने बोला तो बोले केस चल रहा है। मैंने कहा यार जिसको ABCD का ज्ञान नहीं हो प्रिंसिपल बनता है? आपका स्कूल होगा, आप जाओ पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब अच्छा करो, एक आध दिन और सुबह लेंगे।